गंभीर विषय महोदय बोल रहे, तो उतने उपरता ही बोलना है ना। नहीं ये उस अमेंडमेंट पे बोल रहे हैं, हम अमेंडमेंट पे बोल रहे हैं। कोई अगर कंपनी इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से किसी राजनीतिक दल को चंदा देना चाहता है तो आपने प्रावधान कर दिया कि उसको अपने अपने प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में डिक्लेयर करने की आवश्यकता ही नहीं है किसको कितना दिया, और ना पॉलिटिकल पार्टी को बताने की आवश्यकता कि किसे कितना चंदा मिला। यानी कि आपने आपने ये जो पारदर्शिता की बजाय आपने पर्दा ढकने का काम किया है, किसी को पता नहीं चलेगा कि किस कंपनी कौन सी कंपनी कितना चंदा किस पार्टी को दे रही है। ये तो मैं समझता हूँ इसको तो पॉलिटिकल एक्सटॉर्शन के दरवाजे खोलने का काम आप लोग कर रहे हैं। इसको आपको बड़ा जो है सोच समझ के, क्योंकि ये जो प्रोविजन है इसको मैं कहना चाहता हूँ, इसमें ये बात स्पष्ट हो गई है कि इसमें हाथी के दांत दिखाने कुछ और है, खाने कुछ और है। माननीय राम नाम जपना कंपनी का माल अपना, जय श्री राम बोलते आए थे, अब लक्ष्मी माँ की जा कह रहे हैं। इनको आपको इनको जो है, और हमारी मांग है, अपना हमारी मांग है, हम पारदर्शिता चाहते हैं। ये मौका है आपके पास, ये मौका है आपके पास। इसमें हमारी मांग है कि नया बिल आए, ये ट्रांसपेरेंसी इन पॉलिटिकल फंडिंग बिल के नाम से एक हमारे समय में कानून बना था। कोई कंपनी पिछले 3 साल का जो उनका प्रॉफिट है उसका 7.5% से ज्यादा किसी को चंदे में नहीं दे सकती राजनीतिक पार्टी। आपने बदल दिया, निरस्त कर दिया। अब कोई भी कोई कंपनी अपने पूरा का पूरा जितना भी उसको मुनाफा हुआ है वो पूरा का पूरा भी किसी राजनीतिक दल को चंदे में दे सकता है, ये आपने निरस्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला लिया है, इलेक्टोरल बॉन्ड पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। SBI को 2019 से लेकर अब तक की पूरी जानकारी देने के लिए कहा गया है, वहीं चुनाव आयोग को पूरी जानकारी वेबसाइट पर डालने के निर्देश दिए। सर्वोच्च अदालत ने चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक बताया, कहा कि वोटर को राजनीतिक दलों को मिलने वाली फंडिंग के बारे में जानने का हक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड सूचना के अधिकार का उल्लंघन।